हम है रेड नेटवर्क, हम करते हैं जन की बात। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार, रेड नेटवर्क में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं सीपीआई के प्रदेश महासचिव सत्यनारायण जी। आज हम उनसे बात करेंगे, अभी जो किसान रैली हुई है सर, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? पहले किसान रैली का जो मुख्य उद्देश्य था, वो पिछले दिनों दिल्ली में रैली हुआ था कृषि देश की तरफ से, उसी के पहले आपने बनते ही हो गए मुंबई में, अभी नासिक से मुंबई तक एक लाख किसान, तो यहाँ भी किसानों का जो मुख्य मुद्दा था वो तो जो हो गया कर्ज माफी लाभकारी कीमत किसान पेंशन, यहाँ को सूखा ग्रस्त क्षेत्र जो घोषित किया उसमें पार्ट वाइज किया, किसान बोले इन्होंने कहा धान खरीदेंगे 1750 रुपये क्विंटल, उसमें कहीं विक्रय कम नहीं, 1100-1200 रुपये क्विंटल में धान बेचना पड़ा किसान, 7 सूत्री मांगों को लेकर फिर 5 क्विंटल उससे जुड़ा हुआ था मजदूरों का विषय। इसके लिए आप किसको दोषी मानेंगे? बिहार सरकार, केंद्र सरकार, केंद्र और बिहार सरकार दोनों मिलकर के किसानों के साथ दगाबाजी कर रहे हैं। कर्ज माफी का जो सिद्धांत चल रहा है अभी कांग्रेस का, तो उसको आप सही मानते हैं? एकदम सही मानते हैं। कम से कम 3 राज्य में जो सरकार बना, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश, वहाँ की कांग्रेस की सरकार ने तो 2 लाख तक किसानों का जो कर्जा था माफ कर दिया, ये नहीं कर सकते। अभी लॉलीपॉप दिखाया है मोदी की सरकार ने, 6000 किसानों को दे दिया साल एक तरह से वो तोहफा दे रहा है। इससे आप सहमत नहीं है? मतलब किसानों को इससे ये झुठलाया जा रहा है, और ये खास करके चुनाव आए तो चुनावी स्टंट इसको कहेंगे, जो झुठला है। आपको लगता है ये नहीं मिलेगा? कहना मुश्किल है, और फिर सरकार किसकी बनेगी मई के बाद, तो वो चला गया कि नहीं चला गया कहना मुश्किल है। तो सिर्फ चुनाव के लिए देखिए, चुनाव में वोट लोगों किसानों का ठगने के लिए किसानों को ये लॉलीपॉप दिखा। वर्तमान में जो महागठबंधन चल रहा है उसमें आपका सीट शेयरिंग पर कोई बातचीत हुई है? सीट शेयरिंग पर बातचीत हुई है, तेजस्वी से भी हुई है, लालू से भी हुई है, कांग्रेस से भी हुई है, जो विभिन्न और भी संगठन है जैसे पार्टी है जितना मांझी से भी हुआ, शरद यादव से भी हुआ, बातचीत तो हुआ लेकिन अभी तक कोई फाइनल सीट सेलिंग पर नहीं। तो आप आपने लिए कितना सीट उम्मीद कर रहे हैं? हम 6 सीट का तय किया, हम लोगों ने हमारी पार्टी की 6 सीट तय की। बेगूसराय, खगड़िया, मधुबनी, मोतिहारी, बांका और गया, ये 6 सीट हमारे पिछले दिनों तय किए, जिसमें 4 सीट में एनडीए का है, मधुबनी, मोतिहारी, बेगूसराय और खगड़िया, चारों जगह एनडीए भाजपा और लोजपा। आपको लगता है कि आप एनडीए को हार पाएंगे? निश्चित, यदि तालमेल हो जाए, जितनी सीट मिलेगी कम्युनिस्ट पार्टी। बेगूसराय में आप क्या कर रहे हैं? हम आज जिला परिषद में फाइनल कर दिया है, बोले कॉलेज का कार्य बैठक कर रहे हैं, 6-7 को जूनी में बैठक का उसका नहीं है। अभी बालिका गृह कांड में उसके न्यायालय ने जो फैसला दिया है कि नीतीश कुमार की जांच को जांच के दायरे में लिया जाए माननीय मुख्यमंत्री जी का, उस पर आप क्या कहेंगे? उस पर तो आप जानते हैं, पहले भी हम लोग इस बालिका गृह कांड के खिलाफ बिहार बंद कराए, इसी सवाल कैंडल मार्च में हमने मानव श्रृंखला बनाई और हमने कहा कि ये शक की सुई नीतीश तक, तो यदि कोर्ट ने ऐसा किया है तो बहुत गंभीर मामला, निश्चित रूप से इस पर इसकी जांच होनी चाहिए। हमने कहा है तो कोर्ट का, कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट को बजाय कर दिया सीबीआई। आपको लगता है कि उनके मुख्यमंत्री रहते जांच प्रभावित नहीं होगा? जांच होगा, प्रभावित होगा कि नहीं होगा? आपने देखा सीबीआई के ज्वाइंट डायरेक्टर को कैसे सुप्रीम कोर्ट ने उसको घड़े में खड़ा किया, हर दिन बैठाया, 1 लाख जुर्माना किया, एसपी को बदल दिया जो जांच करना, ये तो प्रभावित कर रहे हैं, इसलिए कि ये लोग भी जो ये सब की सुई बड़े बड़े ओहदेदार
IAS, IPS, जो बड़े बड़े अफसर हैं और प्लस यहाँ तक के चीफ मिनिस्टर परवीज की शक्ति सुनी, चाहे भाजपा हो या जदयू के नेता, उन पर भी ये आप राष्ट्रपति शासन की मांग करेंगे सब? ये तो अलग मैटर, राष्ट्रपति शासन की मांग उस रूप में किया जाएगा जब ये सरकार डगमगा जाएगी या रिजाइन करेगा। जैसे कि इनके रहते तो प्रभावित होगी ना, जहाँ पर न्यायिक जांच तो हो नहीं पाएगी। नहीं, अभी तो सीबीआई जांच कर रही है, सुप्रीम कोर्ट उसका देखभाल कर रहा है। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को बजाबता, आप जानते हैं कि केस ट्रांसफर कर दिया दिल्ली, इतना किया है, सारे यहाँ से जो भी थे वो तिहाड़ जेल में रजिस्टर कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट को मॉनिटर कर रहा है। अभी वर्तमान में सर जो महागठबंधन को लेकर झगड़ा चल रहा है, जैसे यूपी में और बंगाल में, तो उसमें लेफ्ट पार्टी का क्या स्टैंड है? यूपी में तो महागठबंधन में है, सपा बसपा का हुआ है, कांग्रेस भी पिछड़ रहा है, वो समझते हैं वहाँ कांग्रेस को उस महागठबंधन में जाना चाहिए, देखो देखने से अच्छी अच्छा तो मजबूत कर बने महागठबंधन। जहाँ तक बंगाल का सवाल है, वहां तो मालूम ही है कि वहां तृणमूल कांग्रेस का जो तानाशाही है, जनतंत्र विरोधी जो भी है, उसके खिलाफ लेफ्ट फ्रंट, लेफ्ट फ्रंट, और वहां कांग्रेस से भले बातचीत हो रही है, कांग्रेस से कुछ बात बन सकता है, लेकिन तृणमूल के खिलाफ, तृणमूल के खिलाफ हम है और भाजपा के खिलाफ, भाजपा तृणमूल दोनों को वहां आना चाहता है। तो ममता बनर्जी को अगर आप माइनस करेंगे तो उससे महागठबंधन प्रभावित नहीं होगा? महागठबंधन प्रभावित नहीं होगा, चुनाव के बाद क्या होगा ये तो देखना पड़ेगा। चुनाव के बाद तमाम दल बैठेंगे, महागठबंधन के तमाम दल के बैठक, उस पर विचार किया जाएगा कौन सा नेता हो, जो बड़ी पार्टी होगी नेतृत्व का जवाब दे देंगे, और जो इस लायक होगा सक्षम होगा। आप तृणमूल के साथ समझौता नहीं चाहते? नहीं, लेफ्ट फ्रंट का साफ डिसीजन है कि तृणमूल के साथ कोई चक नहीं होगा, चूंकि वो जनतंत्र का दुश्मन। सर अभी पुलवामा में जो घटना घटी है उसके लिए आप किसको दोषी मानते हैं? उसके लिए केंद्र सरकार दोषी है, आपने देखा होगा, आपके मीडिया पर, सोशल मीडिया पर भी आया, वहां का जो गवर्नर सत्यपाल मलिक है उसने भी कबूल किया है, कहा सरकार से चूक हुई, इंटेलिजेंस ने पहले भी रिपोर्ट कर दिया, लेकिन इंटेलिजेंस की रिपोर्ट को माना, तो हम तो समझते हैं ये साजिश इस घटना के कारण। आप इतना समझ सकते हैं एक साथ जाता कैसे सुन भूल जाता। आप कहना चाहते हैं कि बीजेपी खून की होली खेल रही है एकदम, चुनाव को देखते हुए भाजपा में जो हो रहा है पूरे देश के अंदर, देश के अंदर जिस ढंग का वातावरण पैदा किया जा रहा है, ये घृणा की राजनीति चलाई जा रही है, कश्मीरी लोगों पर हमले किए जा रहे हैं, खास करके जहां भी अल्पसंख्यक मोहल्ला है उस पर, वहां जाकर के उसको तरह तरह का उसके खिलाफ स्लोगन शॉटिंग करता है, गलत स्लोगन शॉटिंग, इससे पूरे देश में माहौल बदल रहा है। कल तो हम लोग बैठक करने जा रहे हैं, पाकिस्तान के प्रति आप लोग क्या स्टैंड है? पाकिस्तान ने जो गलत काम किया, हमारे 44 शांति दे दिया हमारे जवान, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अभी तो एक रिपोर्ट आई है सर कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को वीजा सरकार दे रही है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? शूटिंग के ये देखिए, अब वो तो सिनेमा का सवाल, खेल का सवाल, खेल वाले सवाल पर दोनों देश के बीच में पहले भी खेल होता था, अभी भी, देखिए इतना तो इस ढंग का वैमनस्यता तो पैदा नहीं करना पड़ेगा, जब तक शांतिपूर्ण ढंग से बातचीत नहीं होगी, जिसका समाधान भी तो नहीं हो, इसका कहीं तो डायलॉग हो, कहीं तो इसका समाधान हो, सिर्फ युद्ध से ही इसका समाधान तो नहीं होगा, कश्मीर के समस्या जड़ में है, कश्मीर के समस्या का समाधान केंद्र पार्टी सीपीआई शब्द से करता है, इसका समाधान जरूर बातचीत से होगा। जो धारा 370 है उसके लिए आप उसको दोषी मानते हैं? 370 धारा 108 से नहीं है, वो तो बजाबता संविधान में लिखी थी और वो उसका स्पेशलिटी स्टेटस दिया भी गया है, कश्मीर का वो हिंदुस्तान विलय कराता सीखा
उसी समय से चला है, अभी उसको हटाने का क्या समय? वो तो भाजपा का एक हथकंडा बना हुआ है शब्द, उसका उसकी सरकार नहीं तो क्यों हटा दे उसके खराब सरकार बना दी। आप इस बात को समझ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी गद्दी के लिए कोई भी कर्म कर सकता है, वो किसी के साथ समझौता कर सकते, इसमें खून की होली भी करवा सकते। और लोकसभा चुनाव को देखते हुए सारे कारनामे में हम लोग तो समझते हैं कि इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है केंद्र सरकार का, जान बूझ करके पैदा करना, देश में खून की होली करना, दंगा फसाद करना, जिससे कि लोकसभा चुनाव हम जीते, यही इसका मकसद। ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी अभी तो उसमें तो लेफ्ट पार्टी गई थी ना? हाँ एकदम गई, मेरे दीदा एमपी जो है वो गए थे, जो हमारे केंद्रीय सचिव मंडल के सदस्य पार्टी किया था उसमें पार्टिसिपेट किया। आतंकवादियों ने जो जिस ढंग से कार्रवाई किया है हमारे, जिसके चलते 44 जवान शहीद हो गया, वैसे लोग जिसे साथी तो मारा गया, उसी ढंग से वैसे जो आतंकवादी उसको मार के आए। सीआरपीएफ को सर पेंशन भी नहीं है तो इस पर आप क्या करना चाहिए? तो इसके लिए क्या आप लेफ्ट पार्टी के लिए कोई आंदोलन करेंगे? देखिए आंदोलन क्या, हम लोग इसका समर्थन करते हैं, जैसे सैनिक के जवान को, सेना के जवान को पेंशन मिलता है, उसी तरह सीआरपीएफ बीएसएफ के जवान को पेंशन। अभी जो फिलहाल तो नहीं है सर, उसको मिलने चाहिए, देश का सैनिक ही है, देश की रक्षा करता है। तो संसद में क्या भी सवाल उठाएंगे कि जो सीआरपीएफ के 44 जवान मारे गए उनको पेंशन की व्यवस्था की जाए? देश का उसके हक की लड़ाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ सत्यनारायण सिंह, सीपीआई के प्रदेश महासचिव, आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। आपसे गुजारिश है यूट्यूब पर रेड नेटवर्क से जुड़ने के लिए इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, सब्सक्राइब बटन के साथ ही घंटी बनी हुई है उस पर जरूर क्लिक करें, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत इसकी जानकारी मिल जाए और आप लगातार जुड़े रहें रेड नेटवर्क के साथ।